Hello guys, welcome back to Tourist Mania. My name is Priyanshu and I'm back with another new and a fresh video. So guys, अगर आप आज के टाइम पे बाइक लेना चाहते हो एंड आपका बजट 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है एंड आप कंफ्यूज हो कि उस प्राइस पॉइंट पे आपके लिए कौन सी बाइक सही रहेगी और कौन सी बाइक नहीं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि गाइज आज के वीडियो में मैंने इस प्राइस रेंज के टॉप 7 बाइक्स को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है जो कि मेरे अकॉर्डिंग एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड आपको काफ़ी अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर देंगी। सो गाइज मेक श्योर आप बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले पाओ। तो मेक श्योर आप वीडियो पूरा देखें। एंड उसी साथ गाइस इस वीडियो में मैंने आपको जो भी प्राइसिंग बताया है वो इन सारी बाइक्स का ऑन रोड प्राइसिंग न्यू दिल्ली के बेसिस से बताया है। सो गाइस जैसा कि आप जानते हो कि व्हीकल का जो ऑन रोड प्राइसिंग होता है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो हो सकता है कि मैंने जो आपको प्राइसिंग बताया हुआ है आपके स्टेट में 2-4 हज़ार रुपये ज्यादा भी हो सकता है एंड 2-4 हज़ार रुपये कम भी हो सकता है, सो ये आप देख लीजिएगा। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप देख सकते हो कि हम 4000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं। सो गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप मेरे कंटेंट्स को देखो एंड अगर आपको मेरा कंटेंट्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो ताकि हम जल्दी से 4000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है वो जल्दी से कंप्लीट कर पाए। एंड या गाइस चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। गाइज हमारी लिस्ट की पहली बाइक यामाहा की तरफ से है जो कि है यामाहा की MT-15। सो ये यामाहा की एक काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी डिमांडिंग एक 155cc की नेकेड स्ट्रीट बाइक है हमारे इंडियन मार्केट में, जिसमें कि हमें 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI इंजन मिल जाता है विद 6-speed ट्रांसमिशन जो कि 18.5 bhp का मैक्स पावर एंड 13.9 Nm का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है जो कि एक 155cc की बाइक के लिए एक काफ़ी अच्छा नंबर है। अगर बात करें लुक्स की सो इस बाइक में आपको काफ़ी फ्यूचरिस्टिक एंड काफ़ी एक रोबोटिक सा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। और बात करें फीचर्स की तो आपको इस बाइक में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको ये बाइक में VVA टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा, असिस्ट एंड स्लीपर क्लच देखने को मिल जाएगा, एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल जाएगा विद LED DRS जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड इस बाइक में आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे, एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है जिसमें कि आपको बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ गाइस आपको इस बाइक में 810mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है, 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, 138 kg का कर्वेट देखने को मिल जाता है एंड 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करें माइलेज की सो आप इस बाइक से 45 kmpl के आसपास का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर बात करें टायर्स की सो हमें इस बाइक में फ्रंट में 17 इंचेस के 100x80 सेक्शन का टायर्स मिल जाते हैं एंड रियर के तरफ में हमें 17 इंचेस के ही 140x70 सेक्शन के रेडियल टायर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर बात करें ब्रेक्स की सो हमें इस बाइक में फ्रंट में 282mm का सिंगल डिस्क देखने को मिल जाता है एंड रियर के तरफ पे हमें 220mm का सिंगल डिस्क मिल जाता है। एंड ये बाइक आपको सिंगल चैनल ABS के साथ मिलती है। अगर बात करें सस्पेंशन सेटअप की तो हमें इस बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं एंड रियर की तरफ पे हमें मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। एंड इन लास्ट अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइसिंग है वो आपको पड़ेगा समवेयर अराउंड 1,68,000 के आसपास। ओवरऑल काफी अच्छी बाइक है ये एंड अगर आप ये बाइक लेने के लिए सोच रहे हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। हमारी लिस्ट की दूसरी बाइक TVS की तरफ से है जो कि है TVS की अपाची RTR 200 4V। अगर आप 2 लाख के अंदर कोई ऐसी बाइक लेना चाहते हो जो कि फीचर से भरपूर हो तो ये बाइक आप लोग के लिए सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि गाइस ये 200cc सेगमेंट की मोस्ट फीचर लोडेड बाइक है हमारे इंडियन मार्केट में। एंड इस बाइक में आपको 199.7cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड रेस ट्यून्ड FI इंजन मिल जाता है विद 5-speed ट्रांसमिशन जो कि 20.82 bhp का मैक्स पावर एंड 17.25 Nm का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। एंड अगर बात करें लुक्स की सो आपको इस बाइक में काफ़ी शानदार सा लुक देखने को मिल जाएगा। आपको इस बाइक में फ्रंट में एक काफ़ी शार्प डिज़ाइन का एक फुल LED हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल जाएगा, LED टेल लैम्प्स देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें फीचर्स की गाइस तो ये बाइक जैसा कि मैंने बताया कि फुली लोडेड है, आपको इस बाइक में बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि गाइस आपको इस बाइक में एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाएगा विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जो कि इस सेगमेंट की और किसी भी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा कि आपको इस बाइक में लैप टाइम रिकॉर्डर देखने को मिल जाएगा, TVS का स्मार्ट एक्स कनेक्ट फीचर्स देखने को मिल जाएगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम देखने को मिल जाएगा, क्रैश अलर्ट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। एंड उसी के साथ गाइस आपको इस बाइक में डिफरेंट राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बताते हैं। एंड आपको इस बाइक में एडजस्टेबल ब्रेक्स एंड गियर लीवर्स भी देखने को मिल जाएंगे। आपको इस बाइक में एक काफी अच्छा और एक काफी बेसी एग्जॉस्ट नोट भी देखने को मिल जाएगा जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है। एंड या गाइस इसके अलावा भी आपको इस बाइक में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ आपको इस बाइक में 800mm का सीट हाइट देखने को मिल जाएगा, 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, 152 kg का कॉर्बेट देखने को मिल जाएगा, 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें माइलेज की सो आप इस बाइक से 36 kmpl के आसपास का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर बात करें
टायर्स की, सो आपको इस बाइक में फ्रंट में 17 इंचेस के 90x90 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाएंगे एंड रियर में 17 इंचेस के ही 130x70 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें ब्रेकिंग की, सो आपको इस बाइक में फ्रंट में 270mm का सिंगल पेटल डिस्क देखने को मिल जाएगा एंड रियर की तरफ पे आपको 240mm का सिंगल पेटल डिस्क मिल जाएगा। एंड आपको इस बाइक में सिंगल चैनल ABS एंड डुअल चैनल ABS दोनों का ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें सस्पेंशन सेटअप की, आपको इस बाइक में फ्रंट में शोवा की तरफ से एडजस्टेबल टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाएंगे एंड रियर की तरफ पे आपको शोवा की तरफ से ही मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड इन लास्ट अगर हम बात करें प्राइसिंग की, सो बेसिकली गाइस आपको इस बाइक में चार अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। सो जिसमें कि जो इसका जो बेस वेरिएंट का जो ऑनरोड प्राइसिंग पड़ेगा वो आपको पड़ेगा समवेयर अराउंड 148,000 के आसपास। इसका जो टॉप वेरिएंट है उसका जो ऑनरोड प्राइसिंग पड़ेगा वो आपको पड़ेगा समवेयर अराउंड 158,000 के आसपास। गाइस आपको जो भी वेरिएंट अच्छा लगता है आप वो वेरिएंट कंसीडर कर सकते हो। सो गाइस ओवरऑल बाइक काफी अच्छी है, एक काफी अच्छा पैकेज आपको प्रोवाइड करती है एंड जहां तक मैं कहूंगा ये बाइक एक पूरी पैसा वसूल बाइक है। सो गाइस अगर आप ये बाइक लेने के लिए सोच रहे हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। गाइस हमारी लिस्ट की तीसरी बाइक बजाज की तरफ से है, जो कि बजाज पल्सर 200 NS। सो गाइस ये बजाज की काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है हमारे इंडियन मार्केट में एंड उसी के साथ ये 200cc की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक है हमारे इंडियन मार्केट में। सो बेसिकली आपको इस बाइक में एक 199.5cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल FI इंजन मिल जाता है विद 6-speed ट्रांसमिशन, जो कि 24.5 bhp का मैक्स पावर एंड 18.5 Nm का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है, कि काफी अच्छा नंबर है एंड इस प्राइस पॉइंट पे और कोई भी बाइक आपको इतना पावर आउटपुट जनरेट करके नहीं देगा। सो ये इस बाइक का काफी प्लस पॉइंट है। एंड अगर बात करें लुक्स की, सो गाइस जब से ये बाइक लॉन्च हुई है तब से लेकर आज तक लुक्स के मामले में हम ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को तो नहीं मिले हैं, बट स्टिल लॉन्च होने के इतने साल बाद भी इसका जो लुक है वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। एंड ओवरऑल गाइस बाइक में आपको काफी शार्प एंड अग्रेसिव सा डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अपीलिंग लगता है। एंड अगर बात करें फीचर्स की, सो गाइस आपको इस बाइक में ज्यादा कुछ फीचर्स देखने को तो नहीं मिलता है। आपको इस बाइक में काफी बेसिक सा सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको बेसिक जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ गाइस आपको इस बाइक में 805mm का सीट हाइट देखने को मिल जाएगा, 168mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, 156kg का कर्वेट देखने को मिल जाएगा, 12 L का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें माइलेज की, सो आप इस बाइक से 35 kmpl के आसपास का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर बात करें टायर्स की, सो आपको इस बाइक में फ्रंट में 17 inches के 100x80 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएंगे एंड रियर की तरफ पे आपको 17 inches के ही 130x70 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर बात करें ब्रेकिंग की, सो आपको इस बाइक में फ्रंट में 300mm का सिंगल पेटल डिस्क देखने को मिल जाएगा एंड रियर में आपको 230mm का सिंगल पेटल डिस्क देखने को मिल जाएगा। एंड उसी के साथ गाइस ये बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। एंड अगर बात करें सस्पेंशन सेटअप की, सो आपको इस बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा एंड रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। एंड इन लास्ट अगर हम बात करें प्राइसिंग की, सो इस बाइक का जो ऑनरोड प्राइसिंग है वो आपको पड़ेगा समवेयर अराउंड 158,000 के आसपास। ओवरऑल गाइस बाइक काफी अच्छी है, इस प्राइस पॉइंट पे जितना पावर ये बाइक जनरेट करती है आपको और कोई भी बाइक इतना पावर जनरेट करके नहीं देगी, जो कि इस बाइक का एक काफी प्लस पॉइंट है। एंड मैं पर्सनली ये बाइक को 3 साल से ओन करता हूँ, सो गाइस मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने ये बाइक लेकर कोई गलती की है। बाइक बहुत ही अच्छी है एंड काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी है। सो गाइस इफ यू वांट दिस बाइक देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। गाइस हमारे लिस्ट की चौथी बाइक है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, जो कि है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। सो गाइस ये बाइक के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गाइस आप में से मैक्सिमम लोग इस बाइक के बारे में काफी अच्छे से जानते होंगे। आपको इस बाइक में 346cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI इंजन देखने को मिल जाता है विद 5-speed ट्रांसमिशन, जो कि 19.1 bhp का मैक्स पावर एंड 28 Nm का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। अगर बात करें लुक्स की, सो आपको इस बाइक में काफी रेट्रो एंड ओल्ड स्कूल सा लुक देखने को मिल जाता है। उसी के साथ गाइस आपको इस बाइक से काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें फीचर्स की, सो आपको इस बाइक में ज्यादा कुछ फीचर्स देखने को नहीं, बहुत ही सिंपल सी बाइक है ये। एंड आपको इस बाइक में 800mm का सीट हाइट देखने को मिल जाएगा, 135mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, 195kg का कर्वेट देखने को मिल जाएगा एंड 13.5 L का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें हम माइलेज की, सो आप इस बाइक से 35 kmpl के आसपास का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर बात करें हम टायर्स की, सो आपको इस बाइक में फ्रंट में 19 inches के 90x90 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाएंगे एंड रियर की तरफ पे आपको 18 inches के 110x80 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें ब्रेकिंग की, सो आपको इस बाइक में फ्रंट में 280mm का सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा एंड रियर की तरफ पे आपको 240mm का सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा। ये बाइक आती है डुअल चैनल ABS के साथ, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड अगर बात करें सस्पेंशन सेटअप की, सो आपको इस बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा एंड रियर की तरफ पे आपको ट्विन गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाएंगे। एंड इन लास्ट अगर हम बात करें प्राइसिंग की, सो गाइस आपको इस बाइक में बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। सो जिनका जो ऑनरोड प्राइसिंग है वो 199,000
से शुरू होकर जाता है 228,000 के आसपास। सो गाइस अगर आपका बजट 2 लाख के अंदर है तो आप इसका जो स्टैंडर्ड वाला जो वेरिएंट है वो परचेज कर सकते हो एंड उसका जो प्राइसिंग पड़ेगा वो पड़ेगा 1,99,000 के आसपास। सो गाइस ओवरऑल बाइक काफी अच्छी है एंड अगर आप ये बाइक भी लेने का चाहते हो तो आप ये बाइक भी ले सकते हो। गाइस हमारी लिस्ट की पांचवी बाइक भी यामाहा की तरफ से है जो की है यामाहा R15 वर्जन 3। अगर आप 2 लाख के अंदर में एक फुल्ली फेयर बाइक लेना चाहते हो जिसपे आप ट्रैक के भी मजे ले सको सो ये आप लोग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। सो आपको इस बाइक में 155.1 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI इंजन मिल जाता है विद 6-speed ट्रांसमिशन जो कि 18.6 bhp का मैक्स पावर एंड 14.1 Nm का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। एंड अगर बात करें लुक्स की तो आपको इस बाइक में काफी स्पोर्टी फुली फेयर डिजाइन देखने को मिल जाएगा विद ट्विन LED हेडलैम्प सेटअप जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। एंड आपको इस बाइक में LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर बात करें फीचर्स की आपको इस बाइक में भी बहुत सारे अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आपको इस बाइक में VVA टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा, असिस्टेंट स्लीपर क्लच देखने को मिल जाएगा, एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। एंड आपको इस बाइक में 815 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाएगा, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, 142 kg का कर्वेट देखने को मिल जाएगा एंड 11 L का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें हम माइलेज की तो आप इस बाइक से 45 kmpl के आसपास का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर बात करें टायर्स की तो आपको इस बाइक में फ्रंट में 17 inches के 100x80 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएंगे एंड रियर की तरफ पे आपको 17 inches के ही 140x70 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर बात करें हम ब्रेकिंग की तो आपको इस बाइक में फ्रंट में 282 mm का सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा एंड रियर में आपको 220 mm का सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा। ये बाइक डुअल चैनल ABS के साथ आती है जो कि काफी अच्छी बात है। एंड अगर बात करें सस्पेंशन सेटअप की तो आपको इस बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा एंड रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। एंड इन लास्ट अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइसिंग है वो है समवेयर अराउंड 1,78,000 के आसपास। एंड ओवरऑल गाइस बाइक बहुत ही अच्छी है एंड ये 150 cc सेगमेंट की मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट लोडेड बाइक है हमारे इंडियन मार्केट में एंड काफी डिमांडिंग बाइक भी है। सो गाइस अगर आप ये बाइक भी लेना चाहते हो तो आप ये बाइक भी ले सकते हो। सो गाइस हमारी लिस्ट की 6th बाइक सुजुकी की तरफ से है जो कि है सुजुकी जिक्सर 250। तो गाइस ये सुजुकी की एक काफी अच्छी एक 250 cc की नेकेड स्ट्रीट बाइक है हमारे इंडियन मार्केट में जिसमें कि आपको 249 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड FI इंजन मिल जाएगा विद 6-speed ट्रांसमिशन जो कि 26.5 bhp का मैक्स पावर एंड 22.2 Nm का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। एंड अगर बात करें लुक्स की तो आपको इस बाइक में काफी यूनिक एंड काफी बोल्ड सा डिजाइन देखने को मिल जाएगा जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। एंड अगर बात करें हम फीचर्स की तो आपको इस बाइक में काफी अच्छा एक फुल LED हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल जाएगा, LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे एंड उसी के साथ आपको इस बाइक में एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। एंड आपको इस बाइक में वाइट टायर्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो ओवरऑल गाइस बाइक में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एंड ये बाइक में आपको 800 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाएगा, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, 156 kg का कर्वेट देखने को मिल जाएगा एंड 12 L का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें माइलेज की तो आप इस बाइक से 36 kmpl के आसपास का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर बात करें टायर्स की तो आपको इस बाइक में फ्रंट में 17 inches के 110x70 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाएंगे एंड रियर की तरफ आपको 17 inches के ही 150x60 सेक्शन के रेडियल टायर देखने को मिल जाएंगे। तो इस बाइक में काफी अच्छे एंड काफी वाइड टायर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। अगर बात करें ब्रेकिंग की तो आपको इस बाइक में फ्रंट में 300 mm का सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा एंड रियर की तरफ आपको 220 mm का सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा। एंड ये बाइक आपको डुअल चैनल ABS के साथ मिलती है। एंड अगर बात करें सस्पेंशन सेटअप की तो आपको इस बाइक में फ्रंट में 41 mm का टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिल जाएगा एंड रियर की तरफ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। एंड इन लास्ट अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइसिंग है वो पड़ेगा समवेयर अराउंड 1,93,000 के आसपास। सो गाइस ये बाइक भी काफी अच्छी है, अगर आप ये बाइक भी लेने के लिए सोच रहे हो देन आप ये बाइक भी ले सकते हो, काफी अच्छी बाइक है ये। हमारी लिस्ट की 7वीं और आखिरी बाइक है बजाज की तरफ से जो कि है बजाज डोमिनार 250। सो गाइस ये बजाज की एक काफी सक्सेसफुल काफी अच्छी एक 250 cc की स्पोर्ट्स टूरर है हमारे इंडियन मार्केट में जिसमें कि आपको 248.7 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI इंजन मिल जाएगा विद 6-speed ट्रांसमिशन जो कि 27 bhp का मैक्स पावर एंड 23.5 Nm का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। एंड अगर बात करें लुक्स की तो इस बाइक का जो लुक है वो डोमिनार 400 से बहुत ही ज्यादा सिमिलर लगता है। इस बाइक में आपको डोमिनार 400 की तरह ही एक काफी बोल्ड एंड मस्कुलर सा डिजाइन देखने को मिल जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा अपीलिंग लगता है। एंड अगर बात करें फीचर्स की तो आपको इस बाइक में बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आपको इस बाइक में
फुल एलईडी हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल जाएगा, एलईडी टेल लैम्प्स देखने को मिल जाएगा एंड एलईडी इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण ये बाइक एक फुल एलईडी यूनिट बन जाती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच देखने को मिल जाएगा एंड उसी के साथ गाइस इस बाइक में आपको एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। एंड इस बाइक में आपको 800mm का सीट हाइट देखने को मिल जाएगा, 157mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, 180kg का कर्वेट देखने को मिल जाएगा एंड 13 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें माइलेज की, तो आप इस बाइक से 35 kmpl के आसपास का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें टायर्स की, तो आपको इस बाइक में फ्रंट में 17 इंचेस के 180 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाएंगे, रियर की तरफ आपको 17 इंचेस के ही 130/70 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर बात करें हम ब्रेकिंग की, तो आपको इस बाइक में फ्रंट में 300mm का सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा एंड रियर में आपको 230mm का सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा। एंड ये बाइक भी डुअल चैनल ABS के साथ आती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड इस बाइक की जो ब्रेकिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। एंड अगर बात करें सस्पेंशन सेटअप की, तो आपको इस बाइक में फ्रंट में 37mm का USD फोक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड रियर की तरफ पे आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। एंड लास्ट अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइसिंग है वो आपको पड़ेगा अराउंड 1,97,000 के आसपास। सो गाइस ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी है एंड 2 लाख के अंदर में ये मुझे सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि गाइस ये बाइक आपको एक काफ़ी अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स एंड काफ़ी अच्छा पावर का रेशियो देखने को मिल जाता है। सो गाइस अगर आप ये बाइक लेने चाहते हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बाइक। मैं आपको ये बाइक 100% रिकमेंड कर सकता हूँ। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो या कोई भी ओपिनियन हो जो आप मुझे देना चाहते हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए और फ्रेश ब्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय।